हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार इन कॉन्टिन्यूशन विद कि इस देश की में कौन कौन प्रधानमंत्री बनने योग्य है उसी सीरीज के अंतर्गत, जैसा कि आप लोगों को मैंने KCR साहब के ऊपर बनाकर दिया था वीडियो, उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर बनाकर दिया था कि हमारे देश का इसी मंथ जो अभी 8 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें प्रेसिडेंट कौन बनेगा, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी या यशवंत सिन्हा जी बनेंगे, तो उस पर मैंने बताया था कि मुर्मू जी बनेंगी क्योंकि उनका लूसो ग्रिड एनालिसिस जो है न्यूमोलॉजी जो कहता है न्यूमोलॉजी के हिसाब से उनका बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा ग्रिड का संयोग है, राज योग है, तो उनका बनने का पूरा चांस है। उसी तरह से KCR साहब का बहुत अच्छा चांस है। फिर मैंने आप लोगों के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर भी मैंने बना कर रखा है, उसको मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। उससे पहले मैं अपलोड करूँगा ये वाला वीडियो। आज मुझे याद आ गया अचानक से कि हमारे असदुद्दीन साहब, ओवैसी साहब भी है ना प्रधानमंत्री के रेस में हैं। हमारे हैदराबाद से 4 बार MP चुने जा चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं हैदराबाद में, और अब तो पूरे देश में उनको लोग जानता है ना, जिस भी रीजन से जानता हो लेकिन उनको पूरा देश उनको जानता है। हम उस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, आज हम सिर्फ लूसो ग्रिड एनालिसिस के माध्यम से ये बताने आपको हम जा रहे हैं क्या वो भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो भी इस रेस में है। लेकिन अभी फिलहाल वो CM भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, तो क्या उनका लूसो ग्रिड जो है क्या उनको CM बना सकता है? क्या उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ आप लोग को बता दें? जो लोग हिंदू भाई बहन उनको सबको पता है न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वो सब करते हैं, टेरो कार्ड रीडिंग, लेकिन जो मुस्लिम भाई बहन है वो लोग न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, उनको लगता है ये सब देवी देवताओं से रिलेटेड है। तो आज मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का जो उपाय है वो देवी देवता से रिलेटेड है, वो चाहें तो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमोलॉजी प्योर नंबर गेम है, साइको एनालिसिस है, और ये नंबर गेम जो होता है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक हिस्सा, प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर है। जैसे एक हैकर होता है जो हैक करता है किसी का भी अकाउंट, वो क्या करता है? परमोटेशन कॉम्बिनेशंस के बेस पे करता है। उसी तरह से न्यूमोलॉजी काम करता है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि नंबर गेम है और ये साइको एनालिसिस है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे, ये 1 top 10 पढ़े लिखे पॉलिटिशियन में इनकी गिनती होती है, बहुत पढ़े लिखे है ना, बहुत इनको क्लेवर माना जाता है, बहुत श्रूड भी माना जाता है, अब बहुत समझदार आदमी की इसमें गिनती होती है इनके, है ना। लेकिन अभी जो देश का माहौल है, पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा ये हो गया है। खैर एनीवे, हम उस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे आप लोगों को क्या वो CM मतलब राजा, किंग, है ना। इसे राज्य का जो CM होता है वो राजा की तरह होता है, और देश का जो प्रधानमंत्री PM होता है वो सम्राट की तरह होता है। तो क्या उनके भाग्य में, क्या उनके लूसो ग्रिड एनालिसिस के माध्यम से, क्या उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नेम नंबर के हिसाब से क्या वो राजा बन सकते हैं, सम्राट बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये उनका नाम है, उस नाम का नामांकन जो है उनका 3 नंबर पे आता है, ठीक है, 48 से टोटल करिएगा 12 हो गया, 3 नंबर पर। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 13/5/1969 है, अभी सिर्फ 53 साल के हैं वो, है ना। तो टोटल डेस्टिनी नंबर उनका 7 नंबर आता है, और इनका जो साइकी नंबर है जिसको आप लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, है ना, ये आता है इनका 4 नंबर पे, 4 राहुदेव का नंबर है। ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड है जो कि फिक्स है रिसर्च के द्वारा, आज से 5000 साल पहले लूसो ग्रिड जो पहली बार न्यूमोलॉजी वीडियो देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, ओवैसी साहब का, तो आपको बता दें लूसो ग्रिड चाइनीज न्यूमोलॉजी, लेकिन चाइनीज माल की तरह नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ही सटीक है, बहुत ही वैलिड है, अप्रूव्ड है, 5000 साल पहले का किया गया रिसर्च है। ये 3x3 मैट्रिक्स जो है एक्चुअली हमारा सूर्य यंत्र है, नंबर 1 वालों को जो बताया जाता है ना, जो 10,000 साल पहले डिस्कवर किया गया था, लेकिन ये चाइनीज न्यूमोलॉजी की वजह से अब ये लूसो ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये नंबर्स फिक्स है, कहीं से भी जोड़िएगा आप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, ये सब 15 आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर फिक्स है, इस लूसो ग्रिड का हमको भरना है ओवैसी साहब का, जो कि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भरेंगे, आप फिर देखेंगे कि उनका न्यूमोलॉजी नंबर उससे फिट बैठता है या नहीं बैठता है। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सिर्फ 1 साल तक आप लोगों को फ्री में नाम नेम करेक्शन का सेवा दिया आप लोगों को, अब मेरा सारा सेवा पेड कंसल्टेंसी है, है ना। अभी 15 दिन पहले से मैंने पेड कंसल्टेंसी शुरू की है, आप लोगों को कुछ भी नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपका बिजनेस नेम न्यूमोलॉजी कुछ भी कराना हो, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। 105 रुपये से स्टार्ट किया है मैंने विदाउट रिपोर्ट, और विथ रिपोर्ट 501 रुपये से स्टार्ट है, इससे सस्ता पूरे देश में कोई नहीं करके देगा आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, वो भी ऑथेंटिक, है ना, क्योंकि इस
फील्ड में नहीं, हमारे देश में हर फील्ड में सिर्फ 20% लोग ही ईमानदार लोग हैं, 80% लोग बेईमान हैं। अब बेईमान लोगों ने ईमानदार लोगों को ढक रखा है। आप कैसे ढूंढोगे अपने शहर में ईमानदार लोगों को, मुझे नहीं पता। मैंने आपको दो ईमानदार आदमी का बता दिया है, एक लेडी एस्ट्रोलॉजर आचार्य जी का नंबर दे रखा है वहाँ पे, उनसे अपना एस्ट्रोलॉजी से कुंडली बनवा लीजिए, और मेरे से अपने न्यूमरोलॉजी से जो भी काम करवाना चाहे, आप पेड सर्विसेज है, इतने सस्ता में चीप एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड कह सकते हैं, आप कर सकते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है abpuniversity.org पे, वहाँ जाइए। कोर्स कुछ करना है कोर्स करिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करना है वो कर सकते हैं आप, है ना, पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अब बता दें आप लोगों को ओवैसी साहब का ये लोसो ग्रिड कैसे तैयार होगा, कैसे बनता है लोसो ग्रिड। जो नंबर जहाँ है उसी तरह से वो नंबर जाएगा वहाँ पर। तो ये एक इनका 13 है, तो पहले एक आएगा, तो एक कहाँ पे, ये बीच में है, यहाँ पे एक आया। फिर ये तीन है, तीन कहाँ पे, ये बीच, यहाँ पे तीन है, जीरो नहीं लिया जाता है, फाइव है, फाइव बीच में है, फाइव आएगा। फिर वन है ना, फिर से वन आएगा। फिर ये नाइन है, नाइन यहाँ पे जाएगा। ये सिक्स है, सिक्स का कॉलम ये है, फिर से नाइन है, डबल नाइन आएगा इनका। और ये सेवन जो कि इनका डेस्टिनी नंबर है, जिसको लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है, तो सेवन यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे सेवन है, तो सेवन यहाँ पे आ गया। अब ये है साइकी नंबर, है ना, ड्राइवर नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, यही दो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में इसको मूलांक कहते हैं, मंथ नंबर को मासांक कहते हैं, पूरा नंबर जोड़ कर डेट ऑफ बर्थ को उसको भाग्यांक कहते हैं, बस इतना याद रखना है। तो ये चार नंबर यहाँ पे आ गया, इस तरह से बन गया। ये इनके पास आठ नंबर नहीं है, इनके पास दो नंबर नहीं है ओवैसी साहब के पास। तो अब लूसो ग्रिड जो बन रहा है वो देखने वाली बात है कि इनका राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और लूसो ग्रिड में इनका कितना ग्रिड तैयार हो रहा है, आठ में से कितना ग्रिड तैयार हो रहा है। सबसे पहला जो इनका नंबर बन रहा है नाइन, है ना, फाइव वन, नाइन फाइव वन पहला बना, है ना। दूसरा देखिए डायगोनल फोर फाइव सिक्स, है ना, फोर फाइव सिक्स का बना। ये बीच वाला बन रहा है थ्री फाइव सिक्स, थ्री फाइव सेवन, गेटिंग। इसमें से जो दो नंबर है नाइन फाइव वन और फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स जो है वो गोल्डन लाइन है, राजयोग है, और नाइन फाइव वन जो विल पावर लाइन है, ये दोनों अगर, और तीसरा एक होता है एट फाइव टू का, अगर ये वाला इनका मैच हो जाता तो इनको सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी भी ये बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी लूसो ग्रिड के एनालिसिस के 951 वाला जितना भी लोग मैंने अभी तक रिसर्च किया है ना, 5000 लोगों का मैंने सैंपल लिया आज तक, सारे बिजनेसमैन पे मैंने अप्लाई किया है। अब एक एक करके मैं सारा वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, स्पोर्ट्समैन पे, सेलिब्रिटी पे, हॉलीवुड बॉलीवुड, एक एक करके मैं जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है, पहले मैं सारे पॉलिटिशियन के रूप में बना रहा हूँ। मैंने पहले के पॉलिटिशियन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बन पाए उस पर भी बना रहा हूँ मैं, सुभाष चंद्र बोस जी क्यों नहीं बने उसके ऊपर बना रहा हूँ मैं, सब जैसे करके आपको बना कर दूंगा लूसो ग्रिड एनालिसिस से, जिससे आपको पता लगेगा लूसो ग्रिड एनालिसिस, और इससे मुझे भी पता लगेगा क्या सच में लूसो ग्रिड एनालिसिस वर्क करता है कि नहीं करता है। अभी 8 तारीख को पता चल जाएगा जो मैंने बनाया है, जसवंत सिन्हा जी का, मुर्मू जी का, है ना, हमारे राष्ट्रपति बनने वाली हैं, अगर वो बन गए तो इसका मतलब है कि जो मैं बना रहा हूँ एकदम सही ट्रैक पर जा रहा है, लूसो ग्रिड एनालिसिस सच में काम करता है। नहीं तो फिर लूसो ग्रिड एनालिसिस काम नहीं करेगा, फिर तो मैं न्यूमरोलॉजी के बेस पे जैसे प्रेडिक्शन करता था नंबर गेम उसी हिसाब से फिर करूंगा। इसको मैंने ट्राई के रूप में, ट्रायल एरर के रूप में लिया है। 80% सब चीज में ठीक होता है, 20% हमेशा एरर होता ही होता है, चाहे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हो। नहीं तो सारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इस देश के सब भगवान बन जाते, सारे सम्राट बन जाते और किंग बन जाते, ठीक है। तो इनका दो जो है राज, एक विल पावर लाइन, एक गोल्डन लाइन, ठीक है। और 852 रहता तो सोने पर सुहागा, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इनके योग इसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और लूसो ग्रिड के हिसाब से ये सीएम भी बन सकते हैं और ये पीएम भी बन सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों नंबर बहुत रेयर लोगों के इसमें होता है, और जिसका होता है वो जबरदस्त सफलता मिलता है जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहे, क्योंकि वो पॉलिटिकल क्षेत्र में है, चार बार वो एमपी रह चुके हैं, है ना, नेशनल लेवल फेम है उनका। अब उनको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अगर आप में से कोई भी ओवैसी साहब के पास ये वीडियो पहुंचा सके तो मैं उनको टिप्स एंड ट्रैप दो चीज बताना चाहता हूँ। टिप्स ये कि वो खुद अपने मुस्लिम भाई बहनों के बीच पॉपुलर नहीं है, इसीलिए वो यूपी के इलेक्शन हार गए, और ट्रैप भी यही है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सारे मुस्लिम माताओं बहनों बेटियों को, जो भी 18 साल से ऊपर है, जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उन सबको कैसे खुश करना है अपने कामों से, वो आपको सोचना होगा।
और आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप जान गए कि आप सम्राट बन सकते हो, आप राजा बन सकते हो, तो राजा की तरह सम्राट की तरह बिहेव करना शुरू करिए, एकदम कास्ट रिलीजन से ऊपर जाइए, तभी लोग आपको वोट करेंगे। आपको हिंदू वोट आपको नहीं मिलेगा, आपको मुस्लिम वोट ही मिलेगा। 30 करोड़ मुस्लिम भाई बने हमारे देश में, और उसमें सिर्फ आपको 33% मतलब सिर्फ 10 करोड़ वोट चाहिए, और 10 करोड़ वोट आप टारगेट करिए 2029 का, क्योंकि ये नंबर आपका फेवरेबल नंबर है। 9, 2, 11, 2, 13, 13 मतलब 4 आपका साइकी नंबर भी 4 है, तो 2029 का टारगेट करिए। 5 साल आपके पास है, इस 5 साल में अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप वन ऑफ द नेशनल फेम के व्यक्ति हो जाएं। और आप कह चुके आपकी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, इसलिए किस पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे और अपने आप को नेशनल लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस सिर्फ 2 ही नेशनल लेवल पार्टी है जो 29 स्टेट्स में फैली हुई है, लेकिन आप लोग का एक पर्टिकुलर राज्य में है, और वो आप किसके साथ गठबंधन करेंगे, कौन भरोसे का है नहीं है, ये सब मुझे नहीं पता, ये आप बेहतर जानते हैं। आप ज़्यादा मुझसे पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप पॉलिटिक्स को ज़्यादा समझते हैं, इसलिए आपको टिप्स एंड ट्रैप बता दिया। टिप्स ट्रैप में सिर्फ आपको अपना ही मुस्लिम वोट लेना है, सिर्फ 33% वोट लेना है, 10 करोड़ वोट 30 करोड़ में, और वो सिर्फ तभी संभव है जब आप अपनी मुस्लिम माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो 18 साल से ऊपर है, उनको सिर्फ आपको खुश करना है। अब कैसे करेंगे ये आप स्ट्रेटेजी बनाइए, सोचिए, क्योंकि आपकी कुंडली में इसमें लूसो ग्रेड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किंग CM बनना भी लिखा है, PM बनना भी लिखा है, आगे आपकी मर्जी, आप ज़्यादा समझदार हैं। इस अगर ये वीडियो पसंद आया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपकी पहुंच उनके तक है तो आप जरूर पहुंचा दीजिएगा किसी भी तरह से, है ना। और अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, मेरे चैनल को, अपेक्षा एजुकेशन को, और इसको शेयर करिए वीडियो को, सो दैट के सब लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि ओवैसी साहब भी हमारे देश के किसी भी राज्य के CM बन सकते हैं और PM भी बन सकते हैं इस देश के, क्योंकि इनके कुंडली में मतलब इनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सब है। एस्ट्रोलॉजी क्या करता है मुझे नहीं पता। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, अच्छा कोई चीज लगा तो लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, सो दैट कि मेरा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।